CNN भारत लाइव आपको रखे आगे। खबर रोहतास जिले के करगहर से है, जहां सब्जी कारोबारियों के द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि रोहतास जिले के करगहर में आज सुबह कुछ सब्जी कारोबारियों को सीमित जगह पर जाने के लिए प्रशासन जब कहने गई तो कुछ सब्जी कारोबारी उग्र हो गए और प्रशासन पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोट आई है, जिसमें दो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस उग्र प्रदर्शनकारियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए खदेड़ दी। इस दौरान पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग करने की भी सूचना प्राप्त हुई। हालांकि इस बारे में पुलिस अधिकारियों ने गोली चलने की बात से इनकार किया है। मौके पर कई थानों की पुलिस गश्त कर रही है। प्रशासन के द्वारा हालात को नियंत्रण कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस ने एक उपद्रवी को भी गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा इस पत्थर से हमला करने का मामला पकड़ा गया है। सुबह के टाइम में पुलिस अपनी गश्ती टीम के साथ निकली हुई थी और यहाँ पे मना किया गया है जितने भी लोग हैं कि इस जगह पे सब्जी का बिक्री नहीं होगा या फल का बिक्री नहीं होगा, उसके लिए स्टेडियम निर्धारित किया गया है। लेकिन कुछ उसी में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो ईंट पत्थर से जो है वो किया, उनको खदेड़ दिया गया है। बाकी और स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस गश्ती कर रही है। कितने लोग और जितने भी जो है वो जो भी थे, जितने भी 20-25 जितने भी लोग थे घायल, सर कितने हैं? पुलिस का दो जवान घायल है और उधर से भी जो है कुछ लोग पूछना है, देख लेते हैं जो है वो PSC में जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जो भी स्थिति रहेगी हम लोग बताएंगे।